हेलो एवरीवन, माय नेम इज पोंज एस, बेसिकली आई एम इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज ट्रेनर। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि ये उन हर लोगों के लिए है जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पर काम कर रहे हैं, अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आज का जो टर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इस पूरी वीडियो पर बने रहे जहां पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे आपकी इंग्लिश में मदद कर सकता है, आप अपनी इंग्लिश के लेवल को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे इसे आप लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से पर्टिकुलर टर्म्स हैं जिसे आप जहां पर आप इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आईपीए होता क्या है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आईपीए स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। आईपीए का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। अब आप सोचोगे कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स होता क्या है, इसके बारे में भी पूरी डिटेल से आपको बताने की कोशिश करता हूं। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में बेसिकली कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26, सबको पता है। लेकिन क्या ये 26 अल्फाबेट्स 26 साउंड्स को इंडिकेट करते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपको अभी भी डाउट है कि ये 26 अल्फाबेट्स ही 26 साउंड्स को इंडिकेट करते हैं तो आप गलत है, क्योंकि इंग्लिश के इन 26 अल्फाबेट्स की जगह कुछ अलग अलग अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स यूज किए जाते हैं जिनसे हम किसी वर्ड के राइट प्रोनाउंसिएशन को समझ पाते हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन इसको मैं डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाए। जब हम आईपीए की बात करते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स की बात करते हैं, तो इसे हम कहां फाइंड आउट कर सकते हैं? मान लो आपको कोई वर्ड मिला और आपको उस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, तो आपको किसी शख्स से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है वो शख्स उस वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस ना कर पाता हो। लेकिन अगर आप इन आईपीए को जानते हैं और इनके सही साउंड को समझते हैं तो आप इंग्लिश के सही प्रोनाउंसिएशन को भी ग्रैब कर सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं, इसे आप खुद भी इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा ट्रेनर मिल जाए या फिर एक अच्छा एम्बियंस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे जब हम इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स की बात करते हैं तो आखिर ये होते कितने हैं? ये भी एक अगला क्वेश्चन हो सकता है। इंग्लिश में जब हम ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, जो कि बहुत ही इजी सा टर्म और बहुत ही कॉमन टर्म है जिसके ऊपर लोग बहुत सारी बातें करते हैं, ये ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स होते हैं। उसकी पूरी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, मैं आपको ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश में होने वाले एग्जैक्ट डिफरेंसेस के बारे में बता दूंगा। वैसे जब हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश में बेसिकली 44 साउंड्स होते हैं। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, 26 कैरेक्टर्स, 44 साउंड्स। जी हाँ, कैरेक्टर्स एंड अल्फाबेट्स बिल्कुल अलग हैं। वो वर्ड्स फॉर्मेशन के लिए यूज किए जाते हैं, वो लैंग्वेज का बिल्कुल बेस है, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा। लेकिन जब आप साउंड की बात करते हो तो उनकी कोई जरूरत नहीं। इंग्लिश में साउंड को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको आईपीए को ही समझना होगा। ब्रिटिश इंग्लिश में 44 साउंड्स होते हैं जिनमें 24 कॉन्सनेंट्स और 20 वॉवल साउंड्स होते हैं। यही वॉवल साउंड वैरी करते हैं अमेरिकन एक्सेंट में, इसकी वजह से वे ऑफ स्पीकिंग जो है वो ब्रिटिश एक्सेंट एंड अमेरिकन एक्सेंट में डिफर कर जाता है। अमेरिकन एक्सेंट में या अमेरिकन इंग्लिश में बेसिकली 24 कॉन्सनेंट्स जो ब्रिटिश इंग्लिश में है वही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दे आर 15 वॉवल साउंड्स। सो ओवरऑल अमेरिकन इंग्लिश में 39 साउंड्स होते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में 44 साउंड्स, और ये सारे साउंड इजिली समझे भी जा सकते हैं अगर आपको आईपीए की पूरी डिटेल हो तो। आईपीए के अंतर्गत कुछ और भी टर्म्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं मोनोथोंग और डिप्थोंग। मोनोथोंग और डिप्थोंग क्या है? मोनोथोंग जो होता है वो बेसिकली इंडिविजुअल साउंड को कहते हैं और डिप्थोंग कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स को। इस पूरे कॉन्सेप्ट को पूरी डिटेल से आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, मैं इसके बारे में भी एक पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए फ्रेम कर दूंगा। लेकिन अगर आप इन आईपीए को अच्छे से समझ लिया और आपने इनके पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन या फिर साउंड को समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताता हूं मैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश डिक्शनरी में कितने वर्ड्स हैं तो शायद आप कैलकुलेट करना शुरू करो या फिर इंटरनेट पर देखना शुरू करो। मैं आपको बताऊं, इंग्लिश डिक्शनरी में 16 लाख से भी ज्यादा वर्ड्स हैं।
तो क्या ये पॉसिबल है किसी शख्स के लिए कि वो सारे वर्ड्स को सही तरीके से बिना देखे प्रोनाउंस कर सके या बिना सुने? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। इवन इफ द ट्रेनर्स एज वेल, दे कैन हैव इश्यूज व्हाइल फाइंडिंग द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स इफ दे कम अक्रॉस दैट पर्टिकुलर वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई भी ट्रेनर अगर किसी वर्ड को पहली बार एक्सपीरियंस करता, पहली बार सुनता है या पहली बार देखता है, तो वो उस वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस करे इसके चांसेस कम है। रीजन, क्योंकि वो उसके सही प्रोनाउंसिएशन को शायद समझता ही नहीं। लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप आईपीए को अच्छे से समझ जाओ तो आप भी इंग्लिश के किसी भी वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन बता सकते हो। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने ये 44 ब्रिटिश एक्सेंट के साउंड्स या फिर ये जो 39 अमेरिकन एक्सेंट के साउंड्स हैं इनको समझ लिया, तो आप इजिली किसी भी वर्ड का आईपीए फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो इंटरनेट पर या फिर किसी डिक्शनरी में। क्योंकि आपने देखा होगा डिक्शनरी में किसी भी वर्ड के बाद स्लैश के अंतर्गत कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स लिखे होते हैं जिन्हें पढ़ पाना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने इन आईपीए को कंप्लीट कर लिया तो आपके लिए ये मुश्किल काम बहुत ही आसान हो जाएगा और आप किसी वर्ड के राइट प्रोनाउंसिएशन को इजिली समझ सकते हो। आशा करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और आप अब से ही अपने इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट वर्ड है। बहुत बार लोग इसे गलत प्रोनाउंस कर लेते हैं। इसका रियल प्रोनाउंसिएशन होता है प्रोनाउंसिएशन। सो प्रोनाउंसिएशन आप इजिली सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग अमेजिंग फैक्ट के बारे में फिर से बताऊंगा कि अगर आप एक्सेंट पे काम करना चाहते हैं, आप ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट या फिर आप नेटिव स्पीकर्स की तरह बोलना चाहते हैं, तो ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं जिनको सीख कर आप इजिली वो काम कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।